आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स एंड पर। मैं सीएम सर आपको बताने वाला हूं कि 85,000 प्लस जो मैंने वैकेंसी की बात किया है, ये मैंने वैसे ही तो नहीं बात कर दिया या मुझे रात में सपने आए और मैंने सुबह उठा और इस पर वीडियो बनाकर डाल दिया आप लोगों को। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारी चीजें अभी इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। 85,000 प्लस वैकेंसियां कौन सी हैं तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर आप पहले इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर एक वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको मिलती रहे और वो भी सही न्यूज। तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं बढ़ता हूं अपनी न्यूज की तरफ। तो जैसा कि मैंने 85,000 प्लस जो वैकेंसी की बात किया है उसमें से मैं हर एक वैकेंसी बता रहा हूं कौन सी वैकेंसी है जो आने वाले 2 से 3 महीने में हम लोगों को मिल सकती है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें योगी जी भी थे, और हम बात करें अगर तो जो हमारे डीजीपी थे उस टाइम पर उन्होंने भी बात किया था और ये कहा था कि जो हर साल है वो 50,000 यूपीपी कांस्टेबल की जो भर्ती है वो निकलेगी। आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के पहले एक वैकेंसी आ चुकी थी 41,520 जिसकी सारे लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसके बाद में एक वैकेंसी आई थी 49,568 वैकेंसी की। ठीक है, वो पिछले साल की वैकेंसी थी। जैसा कि आप जितने लोगों ने फॉर्म डाला होगा उनको पता होगा कि वो वैकेंसी पिछले साल की थी, यानी 41,520 के पहले वाली साल की थी। ठीक है, फिर हम बात करें 2019, ठीक है, यानी 2020, तो 2019 की वैकेंसी इतनी होगी। 2020 में अभी तक यूपीपी कांस्टेबल की कोई भी भर्ती नहीं आई है। अगर उस बात में सच्चाई है या उस बात में कोई भी चीज सही है कि जो योगी जी ने कहा था या डीजीपी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी कि हर साल 50,000 वैकेंसी आएगी, तो अभी 2020 में वो 50,000 वैकेंसी नहीं आई है। यानी कि ये 50,000 वैकेंसी आने वाले अक्टूबर या नवंबर माह में या हो सकता है कि लेट दिसंबर तक भी ये वैकेंसी आ जाए इसी साल में। जैसे ही जेल वार्डन का पेपर हो जाएगा उसके जस्ट बाद में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसा कि मुझे पता चला है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। अगर तो अगली जो वैकेंसी बड़ी है वो आप सबको पता है और बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं 2016 से ही, वो है यूपीएसआई, यूपी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है। 9,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती है। ये भर्ती भी हमें से अक्टूबर लास्ट या अक्टूबर के मिड में हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी भर्ती आ रही है। देखो ये एक अनुमान है, ठीक है, जो पहले की कही गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आधारित है। ठीक है, ये कुछ भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट में लिख देंगे ये सब फालतू न्यूज है, ये कुछ भी न्यूज फालतू नहीं है। इसमें से 50,000 भर्ती में सारी सच्चाई है। आप सबको पता है कि हर साल वैकेंसी निकलने वाली थी लेकिन अब की बार 50,000 कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है। जो हम यूपीएसआई की बात करें ये अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले न्यूज में आया कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने वाली है, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है पहले से तो आप लाइक करिए और कहिए कि हाँ सर ये चीज सही है, आप सही कह रहे हैं। तीसरी जो भर्ती बहुत बड़ी आ रही है वो कम से कम 5,000 प्लस जो वैकेंसी है वो हमारी यूपी लेखपाल की भर्ती है, ये भी आप लोग न्यूज में देख रहे हो। यानी अगर हम बात करें तो 50,000 हो गई कांस्टेबल, 9,000 हो गया हमारे पास में एसआई और 5,000 हमारे पास हो गया वो हो गया लेखपाल। यानी टोटल अगर हम बात करें तो 64,000 से 65,000 के बीच में वैकेंसी हमारी कंप्लीट हो जा रही है। बाकी यूपी में जो एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है यानी उसका नोटिफिकेशन तो जल्द ही आने वाला है, शायद सितंबर लास्ट या अक्टूबर में आ जाएगी वैकेंसी। वो हमारी जो बड़ी वैकेंसी है वो है यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी। ये वैकेंसी भी 2016 के बाद नहीं आई थी लेकिन जैसा कि हाल ही के अखबार में अगर हम बात करें तो बहुत सारी वैकेंसियों से रिलेटेड उसमें आया हुआ है कि टीजीटी पीजीटी में 20,000 वैकेंसी आने वाली है, ये चीज हम लोगों ने देखा। तो टोटल अगर मिलाकर हम बात करें तो 85,000 प्लस जो वैकेंसियां हैं वो यूपी में देखने को मिल सकती है। इस 85,000 में हो सकता है एक दो का नोटिफिकेशन लेट में आया, हो सकता है अब की साल की जो भर्ती उसको पेंडिंग करके अगले साल करें, वो अलग की बात है। लेकिन यूपीएसआई, यूपी लेखपाल और यूपीपी कांस्टेबल और यूपी टीजीटी पीजीटी इन चार वैकेंसियों में से कम हमको 3 के नोटिफिकेशन दिखने वाले हैं, वो भी बहुत ही जल्द। तो अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो, आपको लगा हो कि हाँ सर आपकी बातों में मुझे सच्चाई लग रही है और मेरी बातों से क्या मतलब है, आप अगर पेपर उठाकर देखोगे हाल ही में तो आपको ये सारी चीजें वहां पर विद प्रूफ मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को। और अगर आप नए और आप चाहते हो कि मुझे सही न्यूज मिला करे हर एक चीज से तो ये चैनल टॉपर सिंह आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।